आज का हमारा ट्यूटोरियल है 4-in-1 मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। थोड़ा शॉकिंग लगेगा, 4-in-1 मतलब क्या? सिंपल सी चीज है, एक ही मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने वाले हैं जिसको आप लोगो रिवील के लिए, इंट्रो के लिए, आउट्रो के लिए और लोअर थर्ड के लिए बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो, तो कह सकते हैं ना 4-in-1। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रेडी है, उसके बाद मेरे पास दो टेक्स्ट लेयर है यहाँ पे, फिर उसके पास मेरे पास दो लाइंस बने हुए हैं जिसको मैंने पेन टूल से क्रिएट किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो मुझे एनिमेट करना है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल चीज है बट दिखने में बहुत ही सुंदर लगने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मेरा शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप टूल, और यहां पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ गाइस। तो मैं यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और शिफ्ट प्रेस कर देंगे ताकि एक प्रॉपर स्क्वायर मिले हमें। तो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहले मुझे जो इसका शेड है, तो ये तो चाहिए चाहिए, प्लस इसके साथ एक स्ट्रोक चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं और मैं स्ट्रोक यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रोक का शेड यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब मुझे सबसे पहले इसको मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और जहां पे हमारा एन लगा हुआ है बिल्कुल वहीं पे ले जाके क्या करना है, उसको सेटल करना है। तो इसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एन के साथ सेटल हो जाएगा, और इसको एन अल्फाबेट के नीचे में यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। अब क्या करेंगे भाई, इसका स्केल हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब स्केल की जगह पे एक काम करते हैं, हम साइज छोटा करते हैं इसका। तो चलते हैं कंटेंट के अंदर, रेक्टेंगल, और यहाँ पे आते हैं और इसका साइज अभी छोटा करेंगे ताकि स्ट्रोक विड्थ एग्जैक्टली जमा रहे उसका। और ये साइज मुझे इसके लेवल में ऑलमोस्ट रखना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस लाइन के लेवल में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं 130 कर दूं तो शायद मेरा काम बन जाएगा। हाँ, तो ये बेटर लग रहा है, इक्विवेलेंट लग रहा है, तो ये सही है मेरे लिए। अब मुझे क्या करना है कि इसके साथ साथ एक दूसरा शेप लेयर भी क्रिएट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, स्ट्रोक प्लस फील है ये मेरा, तो स्ट्रोक प्लस फील बॉक्स ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसी का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूं और जो मेरा स्ट्रोक यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, एंटर करते हैं और ये मेरा रहेगा खाली, और खाली मेरा फील बॉक्स बनेगा ये। तो यहाँ पे पहले तो स्ट्रोक को हटा देते हैं और चले जाते टू को भी हटा देते हैं यहाँ से। ओके, डन। अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे कलर क्या चाहिए, खाली येलो शेड चाहिए बट ये वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा स्ट्रोक भी एज इट इज रहेगा बट इसका शेड जो रहेगा वो साथ में क्या रहेगा, येलो रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं ये वाला। ओके, चेंज। ओके, अच्छा नीचे वाला हमने गलती से चेंज कर दिया, तो एक बार अंडू कर देते हैं इसको। ओके, ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं वापस से और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा फील बॉक्स है उसका शेड चेंज करना है। तो मैं वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जैसा मुझे आउटपुट चाहिए, जो आपने थंबनेल पे दिखा था, वो अभी तक का रेडी हुआ है, बट अब इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं इन दोनों लेयर को सोलो कर देता हूँ यहाँ पे और मेरे बैकग्राउंड को भी सोलो रखता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसके पाथ को एनिमेट करना है, बट ये है हमारे शेप, तो पाथ कैसे मिलेंगे? तो भाई सीधा सीधा बात है, सिलेक्ट करते हैं दोनों लेयर को, ओपन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं कंटेंट के अंदर, रेक्टेंगल में जाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ होने, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। सेम चीज यहाँ पे भी करना है, सेकेंड वाले हमारे स्ट्रोक प्लस फील वाले में भी, यहाँ पे भी रेक्टेंगल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों के पाथ को हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो सबसे पहले ओपन करते दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारा सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप पाथ टाइप कर दो तो दोनों के पाथ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिवील हो जाएंगे और दोनों के ऊपर हम क्या दे देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से शिफ्ट करते हैं पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 30th फ्रेम पे लेके जाता हूँ। आगे जाके हमें टाइमिंग अगर चेंज करना होगा तो हम कर लेंगे, बट अभी के लिए ठीक है। अब यहाँ पे चले आते हैं और मैं टाइटल एक्शन सेफ अपना ओपन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे दोनों पाथ कहाँ पे चाहिए, तो मैं दोनों पाथ को यहाँ पे सिलेक्टेड है और मूव करता हूँ, सॉरी एक एक करके पाथ को सिलेक्ट करके मूव करेंगे। तो यहां से हम इसको मूव कर रहे हैं प्रेस शिफ्ट करते हुए और ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आएंगे जहां पे अभी ये सिचुएशन आपको पाथ का दिख रहा है। सेम चीज मुझे क्या करना है, अभी इस पाथ को भी सिलेक्ट करना है और आप इसको भी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मूव करते हुए जाएंगे और ऑलमोस्ट सेटल करेंगे कुछ यहाँ पे। तो ये भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है, तो सेंटर में ऑलमोस्ट चाहिए था, तो हाँ भाई ये दोनों के दोनों सही जगह पे आ चुके हैं और एंड में इनका पोजिशन कुछ इस जगह पे सेटल होने वाला है। बट अभी एक छोटा सा दिक्कत कि जो मुझे ऊपर चाहिए वो कौन सा चाहिए, मेरा स्ट्रोक एंड फील वाला ऑप्शन चाहिए, तो ये वाला मुझे ऊपर चाहिए और हमारा फील बॉक्स नीचे चाहिए, तो ये भी हमने चेंजेस कर दिए हैं। अब पाथ के अंदर थोड़ा सा एनिमेशन करना है, तो एनिमेशन में क्या करना है, जो हमारा स्ट्रोक एंड फील वाला पाथ है ना उसको चेंज करना है।
तो उसको पाथ को अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और क्या करेंगे इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे और इस तरफ लेके आ जाएंगे, ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ भाई ये प्रॉपरली यहाँ पे मैच हो चुका है। आप चाहो तो थोड़ा यहाँ तक आगे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑलमोस्ट देख रहे हो येलो वाला शेड यहाँ पे रिवील हो रहा है। अब तो करना क्या है, अभी आगे चलेंगे, दोनों जो कीज है उनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को मैं कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले वाले कीज को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ऊपर की तरफ मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इसको सेटल कर दूंगा। तो भाई ये वाला एनिमेशन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरा काम ये क्या करना है कि जैसे ये पूरा येलो को शेड को कवर करता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस की पे उसने सेलेक्ट किया है, यहां से हम क्या करेंगे जो स्ट्रोक और फील वाला लेयर उसको यहां से हम ट्रिम कर देंगे। दूसरी चीज इसको भी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक दो लेयर आगे आएंगे और यहां से क्या करेंगे दोनों लेयर को 2 फ्रेम हम आगे गए हैं और यहां से हम क्या करेंगे हमारा फील बॉक्स और स्ट्रोक फील बॉक्स वाला जो लेयर है उसको लेफ्ट साइड से हम लोग ट्रिम कर देंगे ताकि स्टार्टिंग से वो स्क्रीन के अंदर विजिबिलिटी में ना रहे। तो भाई ये है यहां से अभी इस हिसाब से कुछ जाते हुए दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन हमारा जनरेट हो रहा है, देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये चीज। अब उसके बाद आगे जाना है हमको कि भाई जैसे ये आगे जाता है यहाँ पे पहुंचता है उसके साथ क्या होना चाहिए, मेरा एन वाला अल्फाबेट रिवील होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई हमारे एन को सिलेक्ट करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने एक सेटमेट यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है, आपको ना मिले तो आप इफेक्ट एंड प्रीसेट ओपन करके उसमें जा सकते हो जो यहाँ पे रहता है हमारा इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल, या फिर सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, चैनल में जाना है आपको और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटमेट। तो ये इफेक्ट आपको अप्लाई कर देना है अपने अल्फाबेट एन वाले लेयर या फिर आपका लोगो जो आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसके ऊपर। यहाँ पे आप अपना इमेज भी रख सकते हो, दैट्स अप टू यू, फेस वाला जो हम कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शो, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेगमेंट के अंदर टेक मैट फ्रॉम लेयर, तो भाई उसका कौन सा लेयर चूज करना है, तो हमारा जो फील बॉक्स वाला लेयर है ना वो हमें यहाँ पे चूज करना है, तो मैंने यहाँ पे फील बॉक्स चूज कर लिया है बट अभी भी हमारा एन तो विजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड करूं तो भी क्या हो रहा है कि मेरा एन यहाँ पे अभी भी विजिबल नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अनसोलो करके रखा हुआ, तो जैसे मैं इसको सोलो करूंगा तो ये अल्फा चैनल में ही रहेगा और आप देख रहे हो हमारा एन यहाँ पे विजिबल हो गया, बट जैसे ही अभी ये आगे की तरफ जाएगा मेरा एन क्या हो गया, गायब हो गया। आप देख रहे हो तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमारा अल्फाबेट यहाँ पे रिवील हो रहा है। सो आई लव दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। और कहते हैं ना कि भाई कभी कभी जब आप काम करते हो ना, मैं ऑलवेज मेरे ट्यूटोरियल में भी यही करता हूँ, मेरे प्रोफेशनल वर्क में भी यही करता हूँ, जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस, थोड़ा एक्सीडेंट वर्क करो, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो जो आइडिया दिमाग में आया था, सोचा नहीं था इतना सुपर लगेगा, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, मुझे अभी चाहिए मेरे बाकी के ऑप्शन को रिवील करना है, तो उसमें आते हैं मेरे दो लाइन वाले लेयर्स और मेरा टेक्स्ट लेयर, ठीक है ना। तो अब चलते हैं उसको हम लोग रिवील करने के लिए। एक और चीज गाइज, ऑलवेज विदाउट प्लगइन में आपके पास आता हूं, कोई भी ट्यूटोरियल में हम प्लगइन यूज नहीं करते, ना टेम्पलेट्स यूज करते हैं और ना ही आपको हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ती है, फिर भी चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो या प्रो आर्टिस्ट हो, आप इसको यूज करते हुए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। तो अब गाइज हम एनिमेट करते हैं पहले हमारी दो लाइंस को, तो मैं अभी टाइटल एक्शन से इसको हाइड कर देता हूं यहाँ पे और करते हैं हमारी लाइन को ओपन। आप चाहो तो वन बाय वन भी कर सकते हो, एक ही लाइन को डायरेक्टली एनिमेट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्मार्ट वे पे काम करते हैं, दोनों को एनिमेट करने की जगह पे मैं एक लाइन को यहां से डिलीट कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है। और यहां पे इस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं इस लाइन को, एड में जाते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ ट्रिम पाथ इसके ऊपर, और यहाँ पे हम ट्रिम पाथ को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्टार्टिंग में उसका जो एंड का वैल्यू वो हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ इसको, चले आते हैं 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या चाहिए हमें, 0, ताकि ये विजिबल नहीं होगा, देख रहे हो। तो हमने ट्रिम पाथ के थ्रू इसको तो एनिमेट कर दिया है। अब यहाँ पे देख लेते थे भाई इसका एनिमेशन क्या है, हमारा स्ट्रोक वाला की कहाँ तक लास्ट लगा हुआ है, तो हाँ भाई वहीं पे हमने ऑलमोस्ट की लगाया हुआ है, देख लेते एक बार, तो थोड़ा पीछे रह गया, तो हाँ भाई इसको यहाँ पे सेट कर लेते। तो ये हमारा हो चुका है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं और हम ओपन करेंगे इसका पोजिशन प्रॉपर्टी साथ में, तो यहाँ पे मैंने पोजिशन को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो ये एंड पोजिशन यही रहेगा, स्टार्ट पे चले आते हैं और इसका पोजिशन को शिफ्ट करते हैं ऑलमोस्ट
यहाँ पे लेके आते हैं इसके पोजीशन को हम लोग गाइस। तो ये भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, दोनों कीज हमारे सामने विजिबल है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ इस हिसाब से जाते हुए दिखेगा, सो दैट्स बेटर। सिलेक्ट करते हैं दोनों कीज को, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमारे स्पीड ग्राफ में ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। अब ए वाले टेंजेंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स को कुछ ऊपर की तरफ हल्का सा ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ ले लेते हैं, तो कुछ इस हिसाब से अब हमारा एनिमेशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब दूसरा लाइन चाहिए था तो सिंपल सी बात है, सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे भाई, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका लाइन और इसको दे देते हैं बॉटम। तो ये तो रेडी हो गया, बट इसको शिफ्ट कैसे करें, तो भाई पोजीशन प्रॉपर्टीज का ओपन कर लेते हैं, चले आ जाओ लास्ट की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे क्या करोगे, एंकर पॉइंट को ड्रैग पकड़ लो, सॉरी कंट्रोल जेड, पोजीशन की प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट रखनी है और आप यहां से किसी भी एक पाथ पॉइंट को पकड़ लो, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दो तो आप आराम से क्या आ जाओगे, यहाँ पे आपको सेट करना है इसको प्रॉपर तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके चलेंगे हम लोग। हाँ भाई, ये अब क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है दोनों जगह पे। तो हाँ भाई, हमारा दोनों लाइन का एनिमेशन भी अभी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। अब EXUS मतलब एक्सस वाले वर्ड को कैसे रिवील करेंगे, हमारे लोगो के बाकी का जो टेक्स्ट है उसको कैसे रिवील करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल थिंकिंग सभी का यही जाता है कि जैसे ही भाई ये दो लाइन आएगी तो इसको यहां से थोड़ा अलग करते हैं गाइस, कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, नॉट लाइक दैट कि भाई इसी जगह से आएगा जहां से लाइन रिवील हो रही है, कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही ये लाइन यहाँ पे पहुंचने वाली, मतलब यहाँ पे आती है ऑलमोस्ट ओके एंड, जैसे इसको क्रॉस हो जाने दो, तो बस ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, की देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे पहुंचाते हैं इस जगह पे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, स्केल को की दे देंगे। पहले वाली के ऊपर हम क्या कर देंगे, साइज थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट जैसे ये ऊपर और नीचे टच करे कुछ इस हिसाब से हमने बढ़ा देना इसका साइज। तो ये भाई प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है, आगे जाते हुए क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन होते हुए जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे लिए बेटर हो चुका है। अब दूसरा चीज मुझे क्या करना है, यहां से मतलब एक और आई थिंक यस एक दो फ्रेम हम आगे चले जाते हैं और यहां से क्या करूंगा, मैं इस टेक्स्ट लेयर को भी ट्रिम कर देता हूं ताकि हमें स्टार्टिंग से ना दिखे। अब इनकी लीनियर की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं और चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हम ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देते हैं और इसका ग्राफ एज इट इज रख रहा हूं। तो भाई ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जो हमारा था कि भाई लोगो इंट्रो के लिए इसको यूज करना है, तो ये एनिमेशन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी तक। बट इंट्रो हो गया, अब मतलब कहते हैं ना कि चीज जो अंदर आई उसको बाहर भी निकालना होता है आफ्टर सम टाइम, तो नॉर्मली क्या करते हैं भाई, इसको छोड़ दिया और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो जाएगा, बट इसका एक एग्जिट एनिमेशन भी जनरेट करते हैं इस बार। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट जो हमारी लाइन एनिमेशन है सबसे पहले उसको ओपन करते हैं, यू प्रेस करते हैं, यहां से 10 फ्रेम आगे चलता हूं मैं, आपको जितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए उतना टाइम आपको छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दोनों जगह पे यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये की मैंने यहाँ पे लगा दी और यहां से पेज डाउन और 1 2 3 4 5 फ्रेम हम आगे जाएंगे और वापस हम क्या कर रहे हैं, एंड और पोजीशन वाली दोनों जगह पे हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होना चाहिए दोनों लाइंस के लिए, अगर मैं पोजीशन चूज कर रहा हूं तो अलाइन में जाएंगे और सीधा सेंटर पे ले आएंगे क्लोज, ठीक है। और उसके बाद उनका स्ट्रोक का एनिमेशन मुझे जनरेट करना है, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहां से क्या करेंगे, जो पोजीशन सॉरी एंड वाली जो कीज है इसको सिलेक्ट करते दोनों लेयर्स की और यहाँ पे क्या करेंगे, उनको शिफ्ट कर देंगे और यहां से मैं 10 फ्रेम ही रखने वाला हूं इनका एनिमेशन, तो इसको सिलेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब पहले इन दोनों कीज को सिलेक्ट करते हैं और इनका ग्राफ देख लेते हैं भी कैसा दिख रहा है हमारा। ओके, तो ये ग्राफ थोड़ा बेटर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस खाली चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी ये वाले टेंजेंट को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और इनको भी थोड़ा स्पीड अप करते हैं यहाँ पे कुछ हिसाब से। और बाकी जो स्ट्रोक का लाइन है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है, एंड का वैल्यू हमें चेंज करना है अभी। तो हमने जो कीज शिफ्ट की एंड वाली, तो दोनों जगह पे क्या है 100 100, बट एंड वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 0 हो जानी चाहिए दोनों के लिए। तो ये भी हो गई। अब इनके भी ग्राफ कीज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इस ग्राफ को भी क्या कर देंगे हम कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी बेटर तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये की तो गायब हो गई। तो भाई हमें क्या करना है, जैसे ये क्लोज हो रही है लाइन वैसे मेरे टेक्स्ट क्या हो जाने चाहिए, गायब होने चाहिए, मतलब जैसे ये एज अ विंडो टेक्स्ट को क्लोज कर रही है,
ठीक है ना। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ट्रैकमेट ऑप्शन अच्छा है बट एक नया लेयर क्रिएट करना विच इज लिटिल बिट ठीक, तो बेटर ऑप्शन क्रिएट करते हैं हम उसके लिए। क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेस वाला टेक्स्ट लेयर है ना उसके ऊपर हम एक मास्क जनरेट कर देंगे। तो रेक्टेंगल शेप टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मास्क जनरेट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने ये मास्क यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब मुझे करना क्या है कि जहां पे ये लाइन क्लोज हो रही थी, ओपन करते हैं इसके लेयर्स को। ये लाइन कहां से क्लोज हो रही है, यहां से पोजिशन इनका यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्लोज होना। तो उसी जगह पे जो हमारा एक्सेस वाला लेयर है उसका जो मास्क है उसके मास्क पाथ को हम क्या करेंगे यहाँ पे एनिमेट करेंगे। तो ये की यहाँ पे लगा दी और ये क्लोज कहाँ पे हो रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये क्लोज हो रहे हैं। तो उससे एक और दो फ्रेम आगे हमें क्या करना है, हमारे टेक्स्ट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये ऊपर दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे, लाइन के सेंटर के ऊपर थोड़ा लेके जाते हैं, बहुत ऊपर आ गया तो थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं इसको। सेम चीज यहाँ से इनको सिलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ लेके चलते हैं हम। ओके, तो देखो ये बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। साथ में ये वाले को थोड़ा वर्टेक्स ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा इसको स्लांट कर लेते हैं कुछ इस हिसाब से। ओके, डन इनफ। दूसरी एक चीज, इसको एक दो फ्रेम हम आगे जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, एक्सेस वाले लेयर को भी यहां से हम ट्रिम कर देते हैं। तो भाई ये वाला तो हो गया और उसके बाद क्या होगा, मेरा लाइन यहाँ पीछे की तरफ जा रहा है। तो भाई ये एनिमेशन हुआ है बट पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, ये पोजिशन यहाँ पे आया, ये लाइन सही है, इसको छोटा होने दो। उसी टाइम पे अब क्या करना है, थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो कौन सा बॉक्स है, स्ट्रोक फील वाला बॉक्स है, उसको अभी हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। क्योंकि सॉरी, फील वाले बॉक्स को, नॉट स्ट्रोक फील बॉक्स, फील वाले बॉक्स को एनिमेट करना है। तो इसका हम पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, नॉट पोजीशन प्रॉपर्टी बट जो हमने उसका पाथ एनिमेट किया था वही हमें क्या करना है, ओपन करना है। अब करना क्या है कि भाई ये यहाँ पे ही रहेगा स्टार्टिंग में, जहां पे इनका क्लोजिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बराबर, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहां से इसका एनिमेशन स्टार्ट होगा जब ये बंद होने वाले हैं। तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, यहां से इसका पाथ का एनिमेशन स्टार्ट होगा हमारे फील बॉक्स वाला। तो यहाँ पे इस पाथ पे तो की लग जाएगी, एज इट इज जगह पे रहेगा और नॉर्मली जब ये यहाँ पे पहुंच रहे हैं उसी टाइम पे इसका भी एनिमेशन हमें जनरेट करना है। तो क्या करेंगे, जो इसका स्टार्टिंग का की था ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक चेंजेस हमें करना है कि भाई हमने किया क्या था, ये देख लेते कैसा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे है, ओके, और अब ये क्या हो रहा है, कुछ इस हिसाब से जाते हुए दिख रहा है। तो कुछ इसके अंदर मैजिकल चेंजेस करने चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हाँ भाई एक और काम करते हैं कि इसके ऊपर मतलब लाइक दैट हम, ओके दैट्स गुड वन, यहीं पे रखेंगे। और उसको इस पाथ पे पहुंचते पहुंचते हमें क्या करना है, अभी यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं इसको मूव कर रहा हूँ शिफ्ट करके कुछ इस जगह पे, ठीक है ना। और यहां पहुंचते पहुंचते इसको क्लोज कर दिया और क्या करेंगे, एक और दो फ्रेम आगे आ जाएंगे, सॉरी एक दो फ्रेम आगे आ गए और यहां से क्या करेंगे हम इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ पे। तो ये भी एनिमेशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जनरेट हो जाएगा। सेम हमारा लाइन वाला लेयर भी जो है एक दो फ्रेम आगे आ जाएंगे, दोनों के लाइन लेयर सिलेक्ट करते हैं और उसको भी क्या कर देंगे, यहां से ट्रिम कर देंगे लेफ्ट साइड से। तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है गाइस, रेडी हो चुका है। हमारा 4-in-1 मोशन ग्राफिक्स रेडी हो चुका है, जिसको हम लोगो के लिए यूज करेंगे, इंट्रो के लिए यूज करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे एंड प्रेस कर सकते हैं, आउट्रो के लिए यूज कर सकते हो, लोअर थर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे, अभी एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के बाद, पहले इसका एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं गाइस। सो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गाइज हमारा लोगो इंट्रो एनिमेशन यहाँ पे यार 4-in-1 मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसको अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखो कि एक इंट्रो की तरह पे, एक आउट्रो की तरह पे और लोगो एडिटिंग की तरह पे, जैसा हमारा ऑलरेडी हमने खुद ने जनरेट किया है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है, आप लोअर थर्ड की तरह भी इसको यूज कर सकते हो। और एक पांचवी चीज आप कर सकते हो, आप इसमें टाइटल एनिमेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो गाइस। सो आई होप आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना ट्यूटोरियल को दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।